कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, तो भगवान ही तो कर रहे हैं सब कुछ। यानी कि अगर कोई दारू पी रहा है तो उसके हाथ में बोतल किसने पकड़ाई? भगवान ने। भगवान ने कहा अपना मुंह खोल लिया, अब फिर उसने मुंह खोला और पी ली, तो इससे फिर भगवान को दोष आना चाहिए ना। नर्क जाए तो कौन जाए? भगवान जाए। फिर कहते प्रभु आपने बोतल हाथ में पकड़ाई थी, आपने मेरा मुंह खुलवाया था और फिर आपने डलवाई थी, तो इसलिए नर्क किसको जाना चाहिए? भगवान को, क्योंकि भगवान ने तो दारू पिलाई इसको। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। जिसको मैंने छेड़ा, अगर किसी ने लड़की को अगर छेड़ दिया तो छिड़वाया किसने? प्रभु ने कहा छेड़ दे। और लड़की किसने खड़ी की? भगवान ने खड़ी की। कहता जब अब तो छेड़ भी दो, फिर मैं छोड़ दिया। और मेरे हाथ में सीटी गई थी और सीटी भगवान ने बजवाई, तो सब प्रभु ने तो कराया, तो सब प्रभु कर रहे हैं ना। गलत काम कर रहा तो कौन कर रहा है? प्रभु कर रहे हैं। जो करा रहा है कौन करा रहा है? प्रभु करा रहे हैं। सर्व कारण कारण। तो फिर हम क्यों नर्क जाएं? प्रभु नर्क जाएं? एक जो चीज़ है जो भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखी, वो हमारे पास दी है, उसके बाद हम कल चर्चा कर रहे थे, वो है इच्छा। भगवान इच्छाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। इच्छाएं जब होंगी तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान प्रकृति के माध्यम से व्यवस्था कर देंगे, लेकिन इच्छाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। अगर इच्छाओं में भी हस्तक्षेप करेंगे तो हमें में और जड़ वस्तु में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो कटोरी है, इसको मैं ऐसे उछालूंगी, कुछ कर सकती है? कुछ ना, क्योंकि ये तो डेड है, कुछ नहीं कर सकती। मैं इसको ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, इसको उसको उछाल दूँ, ऐसे घुमा दूँ, कटोरी बोलेंगे ऐसे मत उछालो जी, मेरी इच्छा नहीं हो रही, बोलती है, क्योंकि ये जड़ है। जड़ के अंदर इच्छाएँ नहीं होती, लेकिन हम में इच्छाएँ हैं, राइट? तो इसीलिए भगवान हमारी इच्छाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। इसे भगवान गीता में सुनाने के बाद अर्जुन को बोल रहे हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुमको जो करना है करो। ये भी कह सकते हैं चल अब मैं तो रिमोट कंट्रोल करूंगा, चल तीर चला बैठो, मैं करता हूँ सब कुछ, नहीं। ओवरऑल नियंत्रण तो भगवान का रहता है, लेकिन स्वेच्छा हमारी रहती है। जैसे मान लीजिए अभी केजरीवाल जी अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके अंतर्गत हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई अगर गलत काम करता है, ये उसकी स्वेच्छा है। गलत काम करने के बाद जो परिणाम है, अब वो उसके हाथ में नहीं है। अब कि सर अब आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल का आटा खाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, तुमको जेल में जाना पड़ेगा, राइट? अब ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना, कार्य करना, इसकी इच्छा करना, इच्छा हमारे हाथ में है, ये चीज़ है। लेकिन तमोगुण में जो है इच्छाएं निल हो जाती है ऑलमोस्ट। रजोगुण में इच्छाएं होती हैं लेकिन गलत डायरेक्टेड होती हैं। सतोगुण में जो इच्छाएं होती हैं वो फिर भी प्रभु की ओर जाने की और उम्मीद होती है, वो जाएंगी। तो सतोगुण में जो है फिर भी इच्छाएं सकारात्मक हैं, अनुकूल हैं, रजोगुण में उससे कम अनुकूल हैं, तमोगुण में तो ना के बराबर है। तो सारा खेल जो है वो इच्छाओं का है। हमें संसार में क्या बांधता है? इच्छाएं बांधती हैं हमको। अच्छा मुक्त क्या करेगा फिर? इच्छाएं। अगर किसी की बड़ी तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान उसकी इच्छा को फिर पूरा करते हैं। सीता मैया वहाँ पर अशोक वाटिका में थी, हमने चर्चा की, वो अशोक वाटिका क्यों है? क्योंकि सीता मैया की इच्छाएं सिर्फ एक ही हैं, श्री राम जी की सेवा, बस। और उनकी आंखों में अश्रु हैं हमेशा कि कब मेरे प्रभु श्री राम का मैं, अपने नाथ, मेरे प्राण, मेरे श्री राम का मैं दर्शन कर पाऊंगी, मैं कब उनका सानिध्य प्राप्त करूंगी। ये सोच सोच के सीता मैया भले ही लंका में है, लेकिन हमेशा वो राम जी के साथ हैं। इच्छाएं, सारा खेल जो है वो इच्छाओं का है, लाइक दैट।